बनाएंगे पास्ता। यहाँ पे मैंने पास्ता को उबाल लिया है और पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें छलनी में रखा हुआ है। पानी इसका अच्छे से निकल गया है और काफ़ी अच्छा वॉश हुआ है, बिल्कुल खिला खिला है, आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। और ये सब्जी कट कर ली है, प्याज और शिमला मिर्च ही डालूंगी मैं इसमें। और सारा सामान ले लिया जो मेरे को डालना है, नमक डलेगा, काली मिर्च का पाउडर है इसमें, और ये पास्ता, पिज़्ज़ा सॉस और मेयोनी। और अभी बस कढ़ाई रख लेते हैं और कढ़ाई में डालूंगी थोड़ा सा रिफाइंड, कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड और इस सामान के अलावा कुछ भी नहीं डालूंगी। और मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तो अभी चला देते हैं हम कढ़ाई को और थोड़ा सा डाल देते हैं रिफाइंड इसमें रखा हुआ है, कढ़ाई का निकाला हुआ, उस दिन पूड़ी बनाई थी मैंने वही वाला डाल देती हूँ। तो यहाँ पे डाल दिया रिफाइंड, अब इसे गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं और फिर बनाएंगे पास्ता। तो इसे गर्म होने देते हैं, तब तक यहाँ पे रिफाइंड गर्म हो गया था तो मैंने उसके बाद उसमें डाल दी थी जो प्याज कट करके रखी थी। मैं ज़्यादा सब्जियाँ नहीं डालती हूँ, फिर मेरा बेटा अलग निकाल निकाल के तब खाता है, थोड़ी डालती हूँ फ्लेवर के लिए कि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए सब्जी का, नहीं तो फिर उसे हटा हटा के खाता है सारी सब्जियाँ। तो यहाँ पे हल्की हल्की प्याज सुनहरी हो जाए फिर उसके बाद डालूंगी शिमला मिर्च, क्योंकि तो ज़्यादा ब्राउन तो करनी नहीं रहती, हल्का हल्का सा ही फ्राई करना होता है। यहाँ पे प्याज हल्की हल्की फ्राई होनी स्टार्ट हो गई है, अब डाल देते हैं शिमला मिर्च, थोड़ा थोड़ा इनको भी फ्राई कर लेते हैं। और एक दो तो बड़ी बड़ी ही डलगी देखो, चलो कोई नहीं, ये हमारी में आ जाएगी, समझी अलग से हटा देगा, दिखी नहीं नीचे होगी होगी जब मैंने कट करी, बारीक बारीक वो कर रही थी ना, तो एक दो बड़ी बड़ी होगी। अब हल्का सा इन्हें और फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च दोनों फ्राई होगी, अब इसके बाद डाल देते हैं हम इसमें पास्ता जो हमने उबाल के रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने इसमें पास्ता डाल दिया और पूरी कढ़ाई भर गई है। अब मैं इसे दो एक हाथ से कढ़ाई को पकड़ के अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ मेयोनी वगैरह। यहाँ पे मैंने पास्ता में मेयोनी डाल दी है, पास्ता सॉस और डाल देती हूँ, फिर एक साथ ही मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे मैंने पास्ता सॉस भी ऐड कर दिया इसमें, यहाँ पे मैंने पास्ता सॉस भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया और काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया और थोड़े से ऑरिगैनो भी डाल देती हूँ, फिर उसके बाद कर देंगे मिक्स। थोड़ा सा डाल देती हूँ, अब कर देते हैं इसे अच्छे से मिक्स, फिर उसके बाद दिखाएंगे। यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब केचप और डाल देते हैं ऊपर से, फिर उसे भी मिक्स कर देंगे। पीछे से इनकी आवाज़ें ज़्यादा आ रही है मेरे से, ज़्यादा एकदम से ज़्यादा डल गया एक ही जगह फैला के डालती सारे में भी, एक हाथ से अच्छे से डला नहीं। अभी से कर देते हैं मिक्स, तो यहाँ पे पास्ता बन के हो गया है तैयार और सारी चीज़ मिक्स कर दी है। अब सर्व कर लेते हैं और खाते हैं, फिर खा के बताएंगे आपको कैसा बना। तो यहाँ पे हो गया है बन के तैयार, अभी निकाल लेते हैं। मेरे बेटे को भूख लग रही, कह रहा जल्दी से दे दो, तो मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे पास्ता बन के हो गया था तैयार और मैंने निकाल दिया था प्लेट में, अभी दे देती हूँ मैं संजीव को, तो खा के बताएगा कैसा बना। देखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा है और अब खा के बताएगा कि कैसा बना, तो उसे दे देती हूँ, पहले वो खा ले फिर बताएगा। और फिर मैं अपना भी निकाल लूँगी, गैस भी कर देती हूँ बंद, गैस करना तो बंद करना तो भूल ही गई थी मैं।